दोस्तों ये बात है साल 2020 के आईपीएल के 13वें सीजन की, जब आईपीएल इतिहास की सबसे हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स खुद को रिवाइव नहीं कर पाई। और वो सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतना खराब रहा कि साल 2020 में वो खुद को पहली बार टॉप चार में जगह नहीं दिला पाई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अपने प्रदर्शन से जूझ रही चेन्नई की टीम ने अंत के कुछ मैचेस में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक जीत हासिल करी थी। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी चेन्नई का एक उभरता हुआ यंग इंडियन बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज ने सीजन के अंत के कुछ मैचेस में लगातार 3 अर्धशतक के दम पर चेन्नई के दमखम का परिचय पूरी दुनिया को फिर से दिया और ये संदेश सब तक पहुंचाया कि भले ही इस साल चेन्नई की जो भी स्थिति रही हो, लेकिन अगले साल हम दोबारा वापसी करेंगे। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ जब साल 2021 में टूर्नामेंट के अगले सीजन की शुरुआत हुई। शुरू से ही चेन्नई सुपर किंग्स और ऋतुराज गायकवाड़ उस फॉर्म में नजर आ रहे थे जिसका परिचय उन्होंने अंत के कुछ मैचेस में दिया था। और 2021 के आईपीएल सीजन में ना सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी अपने नाम करी, बल्कि चेन्नई के सुपरस्टार प्लेयर ने 16 मैचेस में पूरे 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप को भी अपने नाम करा। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम भारतीय क्रिकेट के इस भविष्य के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऋतुराज के उस पूरे सफर को जिससे गुजर कर आज वो यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो आईपीएल 2021 के इस हीरो का जन्म 31 जनवरी 1997 को महाराष्ट्र की एक सिटी पुणे में हुआ था। इनके पिता दशरथ गायकवाड़ एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वहीं इनकी माँ सविता गायकवाड़ एक म्यूनिसिपैलिटी स्कूल की टीचर हैं। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से गायकवाड़ को शुरू से ही वो सभी सुविधाएं मिली जो उनको चाहिए थी। और बचपन में प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ गायकवाड़ को क्रिकेट में इंटरेस्ट भी आने लगा। और अपने उन दिनों को याद करते हुए गायकवाड़ बताते हैं कि उन्हें बचपन में पेरेंट्स के द्वारा कभी भी क्रिकेट को छोड़कर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए फोर्स नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने फुल इंडिपेंडेंसी के साथ अपने इस पैशन पर फोकस किया। तो यहाँ पर इंडियन पेरेंट्स को एक बात समझनी चाहिए कि आपको अपने बच्चों को पैशन फॉलो करने देना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में हर फील्ड में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके ज़रिए आपके बच्चे किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। एजुकेशन के साथ साथ अपने क्रिकेट के पैशन को फॉलो करते हुए 13 साल की उम्र में ऋतुराज ने पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में स्थित वैरॉक वेंग सरकार क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन किया और लगातार प्रैक्टिस की मदद से खुद को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार किया। उसके बाद फिर ऋतुराज ने महाराष्ट्र की स्टेट टीम के लिए खेलना भी शुरू कर दिया। और ये बात थी 6 अक्टूबर 2016 की, जब ऋतुराज ने 2016 रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए। और इसके कुछ ही महीने बाद 2 फरवरी 2017 को उन्होंने इंटर स्टेट 2020 टूर्नामेंट के जरिए अपना T20 डेब्यू भी महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए ही किया। लेकिन उस वक्त तक ऋतुराज का प्रदर्शन उतना इंप्रेसिव नहीं था, बावजूद इसके उन्हें चांसेस मिलते रहे और अपने इन चांसेस का भरपूर फायदा उठाते हुए साल 2019 के रणजी ट्रॉफी सीजन में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम की तरफ से छत्तीसगढ़ के विरुद्ध ओपनिंग करते हुए ऋतुराज ने पहली पारी में ही 108 रन और दूसरी पारी में 76 रन बनाकर न सिर्फ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, बल्कि अपने टैलेंट को दुनिया के सामने भी रिप्रेजेंट किया, जिसका फायदा ये हुआ कि इंडिया ए टीम में उनका सिलेक्शन हो गया। और साल 2019 में इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए के बीच हुए मुकाबले में इंडिया ए ने टोटल 317 रन बनाए, जिसमें से 187 रन तो अकेले ऋतुराज गायकवाड़ के ही थे। और इंडियन टीम की जर्सी पहनने की चाह रखने वाले किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए ये बहुत गर्व की बात थी और इसी वजह से ऋतुराज भी बहुत खुश थे। इसके बाद ऋतुराज को 2019 दिलीप ट्रॉफी और 2019 देवधर ट्रॉफी में भी खेलने का मौका मिला। लेकिन इसी क्रम में दिसंबर 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग IPL की एक टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज के टैलेंट को पहचाना और 20 लाख के ऑक्शन प्राइस में साल 2019 के IPL सीजन के लिए उन्हें खरीद लिया। लेकिन 2019 के उस सीजन में ऋतुराज को चेन्नई की तरफ से खेलने का मौका ही नहीं मिल पाया। और फिर उसके अगले सीजन यानी कि 2020 में जब चेन्नई की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, तब चेन्नई की टीम में लगातार प्लेयर्स को रोटेट किया जा रहा था और इसी बीच ऋतुराज को भी कुछ मैचेस खेलने का मौका दिया गया। लेकिन शुरू के कुछ मैचेस में ऋतुराज का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिस वजह से उन्हें कुछ मैचेस के लिए ड्रॉप भी किया गया। लेकिन जब दोबारा उन्हें खेलने का मौका मिला, तब उन्होंने इस मौके को नहीं गवाया और उसका परिणाम आज आप सबके सामने है। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में, तो इसी साल यानी कि साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाली ODI और T20 मैचेस की सीरीज के लिए इंडियन स्क्वाड में ऋतुराज के नाम को शामिल किया गया था और एक ओपनर बैट्समैन के तौर पर उन्होंने अपना T20 डेब्यू भी किया, जिस मैच में उन्होंने 18 गेंदों में 21 रन बनाए थे। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। ऋतुराज गायकवाड़ तो भारतीय क्रिकेट के भविष्य हैं, जिन्हें अभी बहुत से रिकॉर्ड्स बनाने और तोड़ने हैं और इसके लिए उन्हें नेशनल बायोग्राफी चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये थी भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे की वो कहानी जो जरूर उन नए बच्चों को इंस्पायर करेगी जो क्रिकेट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।